TVS Apache इस सेगमेंट यानी कि 160cc सेगमेंट में हमेशा से सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पावर डिलीवरी करने वाली बाइक रही है और ये बहुत ही सक्सेस बाइक हो चुके हैं इंडिया में। अब इसका BS6 नाम कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, उसकी कुछ डिटेल कंपेरिजन में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिना भूले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन हिट करना ना भूले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर लेते हैं कि इस सेगमेंट में नया कंपटीशन कौन सा एंट्री हुआ है। तो यहाँ पे आप में से कम लोगों को पता होगा कि होंडा यूनिकॉर्न जो पहले आती थी वो 150cc इंजन के साथ आती थी, लेकिन होंडा यूनिकॉर्न में भी अब 160cc का इंजन मिल जाता है। हालांकि होंडा यूनिकॉर्न 101% पूरी तरह से कंप्यूटर सेगमेंट बिलोंग करती है, जबकि TVS Apache 160 यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कंप्यूटर सेगमेंट में मिल जाती है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कंप्यूटर इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका फ्रंट लुक बेहद ही आपको स्पोर्टी लगेगा, जबकि रियर लुक और सीटिंग कैपेसिटी और दूसरे तीन चार फीचर्स जो ऐसे हैं जिसकी वजह से इसे कंप्यूटर सेगमेंट में भी काउंट किया जाता है, यानी कि ये दोनों सेगमेंट में आती है स्पोर्ट और कंप्यूटर। अब हम वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको TVS Apache के इंजन स्पेसिफिकेशन में क्या चेंज मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको 160cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन मिल जाएगा, साथ ही में यहाँ पे आपको अब 13.93 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाएगा जो कि आपको 700 RPM पे मिलने वाला है। और हम बात कर लें कि इसमें 15.53 PS की पावर मिल जाएगी 8500 RPM पे। यहाँ पे पावर में थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, बाकी टॉर्क भी पहले जितना ही मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो BS6 में कंप्लाइंट होने के बाद चेंज आने वाला है वो है इसकी माइलेज में। जी हाँ, स्पोर्ट्स सेगमेंट कंप्यूटर सेगमेंट बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे माइलेज 160cc में कोई ज़्यादा जो भी बाइक परचेस करता है वो माइलेज की तरफ नहीं देखता, लेकिन इस बाइक में आपको अच्छी खासी 50-55 की माइलेज भी अच्छी खासी मिल जाती है अगर आप इसे इजीली राइड करेंगे ज़्यादा खींचे बगैर। जो कि आप अगर इस बाइक को खींचेंगे तो आपको सभी को पता है कि 160cc इसलिए भागने बहुत वाले हैं और इसमें आपको माइलेज की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए कि आपको 70 या 80 का माइलेज मिलेगा, उतना आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि ये बाइक इतना माइलेज देगी। अब हम बात कर लें कि इसमें ब्रेक सिस्टम कौन से दिए हुए, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट अवेलेबल करवाए गए, फ्रंट रियर डिस्क ब्रेक वाला और जो दूसरा वेरिएंट है जो इसका लोअर वेरिएंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक। अगर हम बात करें फ्रंट डिस्क ब्रेक जो आपको मिलती है 270mm की मिलती है और यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS यानी कि फ्रंट व्हील में ABS देखने को मिल जाएगा, रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल करवाई गई है जहाँ पे आपको मिल जाने वाला है 130mm का ड्रम ब्रेक, वहाँ पे ABS नहीं होगा। सिंगल चैनल ABS होने की वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट व्हील में ही ABS मिल जाने वाला है। अगर हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम साथ में प्राइसेस की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो लोअर वेरिएंट है वो एक्स शोरूम दिल्ली के मुताबिक आपको 97,000 से स्टार्ट होकर टॉप एंड मॉडल आपको 110,000 के आसपास मिल जाएगा। आप कभी भी कोई भी बाइक परचेस करने जाइए, मैंने पहले भी बोला है, दो या तीन शोरूम में जाके प्राइसेस कंपेयर ज़रूर से कर लीजिए। यहाँ पे प्राइसेस में चेंज आते रहते हैं इसीलिए मैं कंफर्म प्राइसेस नहीं बोला हूँ, एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस आपको अलग ही मिलने वाली है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक और 5-स्पीड मैनुअल ऑटो गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे एक चेंज जो TVS मिस कर चुके हैं वो है कि यहाँ पे इस वेरिएंट में भी हेलोजन लैम्प दे दिया गया है फ्रंट में, वहाँ पे अगर LED मिल जाता तो वो बहुत ही बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता LED, और वो भी वाइट दिया गया हुआ था तो वाइट वेरियंट आता है इसमें बहुत ही शानदार लगती है बाइक। लेकिन यहाँ पे रियर में साथ ही साथ आपको LED लैम्प मिल जाता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कॉस्ट कटिंग इतने भी क्या फ्रंट और रियर दोनों में आप LED देते हैं, या आपको 500-700 रुपये की बढ़ोतरी होती है, ज़्यादा कुछ उसमें प्लस नहीं होता, उतना ज़्यादा कस्टमर दे देता है, कोई देखता नहीं अगर वो 1,00,000 तक अपनी बाइक पे खर्च करने वाला है तो। अब हम बात कर ले इसके सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिल जाने वाले मोनो इन्वेस्टेड गैस फिल्ड यानी कि MID सस्पेंशन मिल जाने वाले है, MID शॉकर रियर में और फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगी, यानी कि इसका सस्पेंशन सेटअप भी बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। अगर आप बाइक भगाने के शौकीन हैं और आप ऐसे रास्तों पे चलते हैं यानी कि आपको कभी कभार हाईवे पर भी चलना पड़ता है, तो वहाँ पे TVS Apache आपको बेहतरीन माइलेज के साथ साथ बेहतरीन कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगी और साथ ही में बेहतरीन पावर भी प्रोवाइड करने वाली है। ये उन लोगों के लिए बाइक है जो कि एक बहुत ही अच्छी आरामदायक बाइक चाहते हैं, साथ ही में पावर भी चाहते हैं
और एक माइलेज में भी थोड़ी सी फिट बैठ जाए वैसी बाइक चाहते हैं। ये बाइक स्पेशली उन लोगों के लिए ही डिज़ाइन की गई हुई है और ये इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक भी रही है हमेशा से। 160 सीसी में सबसे ज़्यादा पावर और जो सेलिंग के फिगर्स अगर हम बात करें तो वहाँ पे अपाचर बाजी मार जाती है। TVS हर बाइक को बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर देने की तैयारी में, यहाँ पे आपको पता है होंडा एक्टिवा के सामने, TVS जुपिटर, हीरो स्प्लेंडर के सामने यहाँ पे रेडियम रख दी गई है बाइक। अब देखते हैं होंडा एक्टिवा को तो TVS बहुत ही जुपिटर बहुत ही अच्छी टक्कर दे रही है, अब देखते हैं कि होंडा स्प्लेंडर के सामने रेडियम का कितना चलता है और कितना नहीं चलता। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस बाइक में और खास क्या है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो ऑडोमीटर मिलता था वो सेम टू सेम है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करवाए गए हुए। हालांकि एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो पहले वहाँ पे क्लॉक दी जाती थी उसमें कुछ वेरिएंट थी, कुछ यानी कि फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी जिससे कि आप क्लॉक की जो डिज़ाइन है उसे चेंज कर पाएंगे। वो देखते हैं फिजिकल ओवरव्यू में कि वहाँ पे कोई चेंजेस मिलता है या नहीं मिलता। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें।